नमस्कार दोस्तों, हिंदी समान ज्ञान की YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तुरंत हिचकी रोकने के 10 रामबाण घरेलू नुस्खे। हिचकी किसी को भी कभी भी आ सकती है। वैसे तो ये बहुत ही सामान्य सी बात है, लेकिन ये अगर यह लगातार बनी रहे तो सांस लेने में भी दिक्कत पैदा होने लगती है। इसलिए हिचकी को रोकने के उपाय हर किसी को पता होने चाहिए। आइए जानें क्यों आती है हिचकी और इसे कैसे दूर करें। तो पहले जानते हैं क्यों आती है हिचकी। हमारे शरीर में छाती के पास डायफ्राम नामक मसल होती है, इसमें सिकुड़न के कारण हिचकी आती है। दरअसल होता यूं है कि डायफ्राम को नियंत्रित करने वाली नाड़ियों में जब उत्तेजना होती है तब डायफ्राम बार बार सिकुड़ता है और हमारे फेफड़े तेजी से हवा अंदर खींचते हैं। ऐसा जल्दी जल्दी खाना खाने, जोर जोर से हंसने, तेज मसाले वाले खाना खाने या फिर पेट फूलने से होता है, यानी कि नाड़ियों में उत्तेजना का कारण हवा ही होती है। आमतौर पर यह हवा डकार से निकल जाती है, लेकिन कभी कभी ये खाने के तहों के बीच में फंस जाती है। हिचकी इसी फंसी हुई हवा को बाहर निकालने का एक उपाय है। हिचकी रोकने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ानी जरूरी है, इसलिए सांस रोकना, धीरे धीरे पानी पीना इसमें सबसे कारगर उपाय है। कई घंटों तक हिचकी आने के कुछ प्रमुख कारण हैं, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन होना, किसी नर्व का डैमेज होना, किसी दवा का साइड इफेक्ट इत्यादि। तो चलिए अब जान लेते हैं तुरंत हिचकी को रोकने के उपायों के बारे में। पहला नुस्खा है अपनी सांस को रोकें। एक लंबी सांस लें और उसे कुछ सेकेंड के लिए रोक कर रखें। जानकारों के मुताबिक जब फेफड़ा में जमा कार्बन डाइऑक्साइड भर जाए और डायफ्राम उसे निकालेगा तो हिचकी आना खुद ब खुद बंद हो जाएगी। दूसरा नुस्खा है चीनी का प्रयोग। हिचकी आने पर तुरंत एक चम्मच चीनी का सेवन करें, इससे थोड़ी देर में ही हिचकी आना बंद हो जाएगी। घोल में चुटकी भर नमक भी मिला दें और इस पानी को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर पिए। सीप कर पीने से हिचकी थोड़ी देर में बंद हो जाती है। तीसरा नुस्खा है नींबू और शहद का प्रयोग। हिचकी आने पर एक चम्मच नींबू का ताजा रस लें। अब इसमें एक चम्मच शहद डालें, दोनों को मिलाएं और चाट लें, इससे भी हिचकी बंद हो जाएगी। चौथा नुस्खा है धीरे धीरे खाएं। कई बार तेज तेज खाना खाने से भी हिचकी आने लगती है। खाना धीरे धीरे चबा चबा कर खाएं, इससे हिचकी आनी बंद हो जाती है। जल्दी खाना खाने और खाने के दौरान बेहद तीखा चीज खा लेने से हिचकी अक्सर आती है। पांचवा नुस्खा है चॉकलेट का पाउडर का प्रयोग। जब भी हिचकी की समस्या से परेशान हो तो तुरंत चॉकलेट पाउडर की एक चम्मच खा लें, इसे खाने से थोड़ी ही देर में हिचकी ठीक हो जाएगी। छठा नुस्खा है नमक पानी का प्रयोग। थोड़े से नमक को पानी में मिलाकर एक या दो घूंट पिए, इससे हिचकी की समस्या तुरंत ही खत्म हो जाएगी। सातवां नुस्खा है काली मिर्च का प्रयोग। तीन काली मिर्च, थोड़ी सी चीनी या मिश्री का एक टुकड़ा मुंह में रखकर चबाएं और उसका रस चूसते रहें। चाहे तो एक घुट पानी भी पी सकते हैं, इससे तुरंत हिचकी बंद हो जाएगी। आठवां नुस्खा है उल्टी गिनती। जानकारों के मुताबिक उल्टी गिनती करने से और अचानक उस व्यक्ति को डराने से भी सामान्य हिचकी ठीक हो जाती है। उल्टी गिनती का मतलब है 100 से 1 की तरफ की गिनती करना। नौवां नुस्खा है टमाटर का प्रयोग। हिचकी आने पर तुरंत टमाटर को धोकर दांतों से काट खाएं, हिचकी ठीक हो जाएगी। साथ ही जब हिचकी आए तो एक चम्मच पीनट बटर लें और खाएं, इससे सांस लेने की प्रक्रिया में बदलाव होगा और हिचकी अपने आप बंद हो जाएगी। दसवां नुस्खा है पेपर बैग का प्रयोग। एक पेपर बैग में मुंह डालकर सांस लें, ऐसा करने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और हिचकी रुक जाती है। तो दोस्तों, ये थे तुरंत हिचकी रोकने के कुछ सबसे महत्वपूर्ण घरेलू उपचार। इन घरेलू उपचारों को अपनाइए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। आशा करते हैं आपका जीवन मंगलमय हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल हिंदी समान ज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और उपयोगी टिप्स लेकर आते रहते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं और एक सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।